नमस्कार। सावन के इस पावन महीने में हम लोग सभी जो दिन हैं, शुभ दिन हैं, वो मना रहे हैं। शिवरात्रि आई, फिर नागपंचमी आई। अब बहुत सारे लोगों को इस बात की डाउट था कि अगर हमारा कालसर्प योग है कुंडली में, तो नागपंचमी पे हमने पूजा नहीं की या नहीं कर पाए, तो अब हम कैसे करें सावन में और किस दिन हम ये कर सकते हैं। सो देखिए, काल सर्प योग जो है वो सिर्फ एक दिन की पूजा से नहीं हटता है, और ये एक योग है, दोष नहीं है। और जब हम काल सर्प योग की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं, और अगर नहीं तो आप देखिए आपकी कुंडली में यदि राहु और केतु के एक्सिस में सारे के सारे ग्रह हैं, उन दोनों के एक ही साइड में सारे ग्रह हैं, तो ये बनता है काल सर्प योग। और ये जो है ये एक ही जन्म के, यानी इसी लाइफ के नहीं, प्रीवियस लाइफ टाइम्स के जो हमारे कर्माज होते हैं, जो भी कर्म हमने किए प्रारब्ध, उससे रिलेट करता है, और उसी को जो पे ऑफ करना है वो है काल सर्प योग। बहुत स्ट्रगल होता है लाइफ में, बहुत टफ टाइम रहता है, और इसी के साथ में हम बात करते हैं पितृदोष की। तो बहुत सारे लोग ये भी डर जाते हैं पितृदोष है क्या करें। देखिए, सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं कि स्ट्रगल है लाइफ में, कंसीव नहीं कर पा रहे, शादी नहीं हो रही घर में बच्चों की, या जॉब नहीं लग पा रही, या जो भी कर रहे हैं उसमें सक्सेस नहीं मिल रही। तो दोनों ही केसेस में, कालसर्प योग और पितृदोष, दोनों ही केसेस में आपके प्रीवियस लाइफ टाइम से जो चलते आ रहे आपके कर्म हैं, उनको पे ऑफ करना, उनको ठीक करना, सुधारना, वही उसी के लिए ये योग बनते हैं। और ये पीछे के लाइफ टाइम से ही चलते आ रहे हैं। अब उनको ठीक कैसे करना है, देखिए बड़ों की ब्लेसिंग्स नहीं है तो पितृदोष माना जाता है, और वो आपकी, सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से नहीं, शायद हो सकता है किसी और की मिस्टेक्स, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में पीछे किसी से कोई गलती हो गई, तो उससे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन वो नाराज हो गए, या जो भी उनकी ब्लेसिंग्स पूरी तरह से नहीं मिल पा रही। तो दोनों ही केसेस, पितृदोष और कालसर्प योग, इन दोनों के लिए पूरे सावन में हम यदि नाग स्तोत्र, ये बहुत ही एक मैजिकल पार्ट है और जप है, हालांकि शिव तांडव स्तोत्र की अगर हम बात करते हैं, या फिर और भी जो शिव जी के रुद्राष्टकम है, या और भी कितने ओम नमः शिवाय, ये सब जो जप हम करते हैं, इन सभी से हमें बहुत शांति और अच्छा लगता है। लेकिन नाग स्रोत की जब हम बात करते हैं तो राहु केतु के जो दोष हैं वो हटते हैं, हमें बहुत शक्ति मिलती है, और जो पितृदोष हैं वो भी बहुत हद तक आप देखेंगे कि आपको आपके इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसके साथ में आपके एक्शन ज़रूरी हैं, और ये मन से करना है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स चाहिए तो हम मन से सब कुछ करेंगे। आगे आने वाले समय में उनके जो अगले महीने में श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा, तो पितृपक्ष में भी उनके नाम से पूजा करवाना, लोगों को डोनेट करना, खाना डोनेट करना, पहनने के लिए वस्त्र डोनेट करना, ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं अपने बुजुर्गों के नाम पे, तो यहाँ पर भी हमें ये ब्लेसिंग्स के तौर पे हमें दिखता है कि हमें मिल रही हैं। तो अब आपको क्या करना है, यदि नागपंचमी का समय निकल गया, आपको नहीं पता था कि राहु केतु की पूजा करनी थी, सो थ्रू द सावन आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, नाग स्तोत्र का पाठ करें, और सुबह शाम ओम राम रावे नमः, ओम केम केतवे नमः की 108 बार चैंटिंग करें। सो आप देखेंगे कि कितनी शांति आपको मिलती है, और पूरा सावन यदि आप सात्विक आहार पर रहते हैं तो आप देखेंगे कि एक अलग सा चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने अंदर, अपने मन में दिखाई देती है। ठीक है, सो ये आप कीजिए। नाग स्तोत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मैजिकल एक जप पाठ हम इसे कहेंगे है, और कीजिए, और आप देखिए कि सबकी ब्लेसिंग्स आपको कैसे मिलती हैं, और भोलेनाथ आपको कैसे ब्लेस करते हैं। ओम नमः शिवाय।